हेलो। हाँ सर। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ आरपी राव जी बोल रहे हैं। हाँ हाँ बताइए। हाँ बता तो रहे। यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। हेलो। हाँ सर, हाँ डॉक्टर तो बताइए। यही पूछ रहा है कि बिना परमिशन का गेट के अंदर जाकर आकर के जा फैमिली हमारी मैडम सोई थी वहाँ जाकर के दरवाजे पर झांक रहे हैं। ठीक, कौन तो झांक रहे हैं? जो 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 पत्रकार साहब जो छापते हैं। खोल लीजिए। अरे भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप, ये बताइए, धमका रहे तो हैं आपको? हॉस्पिटल ये बताइए, नहीं, बिना परमिशन का वैसे आप जाकर के रूम में जाके जाकेंगे फैमिली रूम में। एक तो फर्जी हॉस्पिटल आप लोग खोल रहे हैं, उसका कह रहे हैं कि फर्जी है, फर्जी है, पूछिए ड्रामा का है कि फर्जी है। हमको सब पता है, आरपी राव डॉक्टर साहब सब हमको पता है। हम बता रहे कि डॉक्टर साहब से बात करिए पहले। हेलो, अरे डॉक्टर साहब की लोगों का हर जगह लिस्ट लगा हुआ है, ठीक ना? हेलो, हाँ बताइए डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं राव साहब, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर, फर्जी है? कौन डॉक्टर बोल रहे हैं आप? हेलो डॉक्टर साहब, आप कैसे कह रहे हैं फर्जी है? डॉक्टर साहब अभी अभी मिल रहे हैं हम लोग आपसे, थोड़ा नहा रहे हैं, नहा के आ रहे। अरे मिलिए भाई, कोई आपको मना किया क्या कि मत मिलिए? कोई मिलने के लिए आपको मना किया है? हैं काहे मना करेंगे राव? चलिए ठीक है, आप ही लोग पोल बताएं, ठीक ना? हेलो, हाँ आप ही के विभाग के लोग सब पोल बताएं, कोई हमारे घर से पोल नहीं आया है? अरे ठीक है, ठीक सोई रह रही है तो दरवाजे पर जाकर झाकेंगे यार। कोई झाक नहीं रहा, तो हॉस्पिटल है, कोई मैडम का घर है वो? हाँ घर है ना, वहाँ फैमिली रहती है तो घर नहीं रहता है। आप देखिए ये फैमिली नहीं, सब मरीज आप मरीज आप भर्ती किए थे, आप सब मरीज भर्ती किए थे ना? कौन जाक रहा है? कौन जाक रहा है? अरे डॉक्टर साहब देखिए, दुश्मनी करेंगे तो ऐसे 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 दुश्मनी की बात नहीं है। आप दुश्मनी करना दुश्मन आप दुश्मनी कर रहे हैं, करना चाहते हैं दुश्मन कर रहा है? आप जाकर डीएमएसपी के, जाकर डीएमएसपी के पता कर लीजिए आप, ठीक ना? चैनल नहीं, आप जाके पता कर लीजिए, डीएम साहब को फोन कर लीजिए, कप्तान साहब को, ऑथराइज चैनल है, कोई वो नहीं है। हम और डॉक्टर साहब सभी लोग आ रहे हैं, कहाँ मुलाकात होगी आपसे? हेलो आप ऑडियो में देख रहे हैं कि सुपर फास्ट न्यूज के प्रधान संपादक एसएस मिश्रा को कैसे डॉक्टर हड़का रहे हैं। बस मामला यही था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये जो फर्जी डिस्पेंसरी नर्सिंग होम चला रहे हैं बिना डिग्री बिना रजिस्ट्रेशन के लोग, तो सुपर फास्ट की न्यूज की टीम पड़ताल करने के लिए मधुबन तहसील के अंतर्गत तमाम हॉस्पिटलों में गई, जिसमें शिवम चिकित्सालय भी था। आप बताइए कि नर्सिंग होम में फैमिली रहती है कि नहीं? आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि इनके पास कोई डिग्री भी नहीं है और ये किराए के डॉक्टर रखे हुए हैं, और डॉक्टर भी मौके पर नहीं मौजूद थे, नर्स मौजूद थी, ये सिर्फ बातें बता रहे हैं और फोन करके धमकी दे रहे हैं। आखिरकार योगी सरकार में सच दिखाना गुनाह है, तो न्यूज चैनल वाले सच नहीं दिखाएंगे, झूठे ही दिखाएंगे। आखिरकार इन फर्जी हॉस्पिटलों पे कब कार्रवाई होगी, और अगर इनका सही रजिस्ट्रेशन है तो कार्रवाई क्यों होगी? देखना ये है कि अधिकारी कर्मचारी कब तक लापरवाह रहते हैं, और ऐसे लोगों को
कब तक कार्रवाई करते हैं? अगर ये सही होते तो क्या जरूरत थी इनको 13 जगह बात बनाने की? आप देख रहे थे सुपर फास्ट न्यूज के माध्यम से तस्वीरें, देख रहे थे शिवम चिकित्सालय की। ऐसे ही लोगों को समाचार पत्र और न्यूज वालों को धमकी आए दिन दी जा रही है। ऐसे ही आजमगढ़ में एक पत्रकार की हत्या हो गई। आप कमेंट बॉक्स में शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को फॉलो करें और जो भी हो कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार। Thank you.